हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो चलिए, परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर ए स्मॉल फैमिली, जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों है और एक छोटा सा बच्चा है, तो सबके लिए मैं आज यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाया येलो पीज, जिसको मैंने रात भर भिगो के अभी छान के उसको बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं उसको कुकर में ले लिया हूँ और एक आलू और एक टमाटर दे दिया हूँ और उसमें हल्दी, नमक और पानी देके उसको 4-5 व्हिसल आने तक उसको मैं बॉईल कर लूँगी, क्योंकि मेरे कुकर में तो 4-5 व्हिसल आने के बाद ही अच्छे से बॉईल होता है। आपके कुकर में अगर अच्छे से बॉईल हो रहा होगा तो आप उसमें 2-3 सीटियां लगा सकते हो, ठीक है गाइस। और दूसरी साइड में यहाँ पे मैं चढ़ा दिया हूँ दूध और अभी हम आटा गूंदेंगे। तो मैं पूरिया बनाने वाली हूँ, मेथी की पूरिया, उसके लिए अभी हम आटा गूंदेंगे। तो आटा ले लिया मैंने और उसमें ऐड कर रहा हूँ 2 चम्मच दही और फिर हम ऐड करेंगे इसमें कस्तूरी मेथी जो है वो ऐड करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी आप पाउडर मसाले उसमें डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन भी मैं डालूँगी। तो सबको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेना आटा गूंद के। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल भी मैंने इसमें ऐड किया हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। ऐसे हाथों से उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना सारे चीज़ों को और फिर उसका अच्छे से एक डो बना लेना। पानी, थोड़ा थोड़ा पानी देके जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे ही आटा गूंद लेना। हमारा आटा जो है एकदम रेडी हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे और आगे का प्रोसेस जो है वो करेंगे। यहाँ पे मैं रोहित के लिए बना रहा हूँ मसाला ओट्स। तो चलिए देखते हैं मसाला ओट्स कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई लिया हूँ, उसमें देसी घी 1 चम्मच करीब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और इसमें ऐड करूँगी कटे हुए प्याज। तो हाफ प्याज में ही यहाँ पे ले रहा हूँ और प्याज जैसे ही भून जाएगा उसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए हाफ ही ले रहा हूँ यहाँ पे टमाटर। तो भी गैस का फ्लेम जो वो कम कर देंगे और सारे पाउडर मसाले जो है यहाँ पे मैं नमक, हल्दी इन ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे के लिए बना रहा हूँ तो और कुछ नहीं ले रहा हूँ। ऐसे भी मसाला ओट्स में सारे मसाला जो है वो डाले हुए है और कुछ नहीं डालना चाहिए इसमें। तो अच्छे से भूनने के बाद टमाटर और प्याज उसके बाद इसमें हम पानी दे देंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा इसमें हम मसाला ओट जो है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2-3 चम्मच मसाला ओट जो है वो डाल रहा हूँ क्योंकि रोहित के लिए इतना ही काफ़ी होता है, तो वो इतना अच्छे से खा लेगा। और इसको अच्छे से हम बॉयल होने देंगे। बॉयल हो जाएगा तो अच्छे से वो खुल जाएगा, पूरा ओट्स जो है अच्छे से खुल जाएगा और फिर हम इसको बंद करके ढक देंगे और वो और भी ठीक हो जाएगा। जैसे सूजी बनाने से पहले थोड़ा सा मतलब पतला रहेगा और फिर कुछ देर उसको रखने से बाद वो फूल जाता है, वैसे ही मसाला ओट्स है। उसको कुछ देर आप इसे ढक के रख दो ना, वो अच्छे से फूल जाएगा। अभी आप देख सकते हो इतना ही उसका जो कंसिस्टेंसी नहीं है कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा ना तब वो और थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं येलो पीज की करी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कढ़ाई में ले लिया मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होते ही उसमें मैंने ऐड कर दिया
तेज पत्ता और उसके बाद कटे हुए प्याज। प्याज अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे एक चम्मच या हाफ चम्मच में ही इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद कटे हुए टमाटर, सारे पाउडर मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे पाउडर मसाले जो है वो ऐड कर देंगे, साथ साथ टमाटर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और मसाला अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम मटर जो है जो बॉईल करके रखे थे वो डाल देंगे और आलू थोड़ा सा क्रश करके वो भी डाल देंगे और फिर पानी, जितना कंसिस्टेंसी के पानी चाहिए वो आप डाल देना और लास्ट में धनिया पत्ता जो है वो ऐड कर देना। अभी आप देख सकते हो हमारा करी जो है बन के रेडी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रेवी रख रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि पूरी के साथ खाने हैं तो एकदम रेडी है। तो चलिए फिर पूरी की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा तो गूंद के रख दी थी और उसका छोटा छोटा बॉल मैंने नहीं बनाया था, अभी बनाऊंगी। पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। जब तक हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा होगा तब तक हम पूरिया बेल लेंगे। आटा को और थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे और छोटा छोटा बॉल जैसे पूरियां बनाते हैं उसका साइज हम काट लेंगे। फिर हम पूरियां जो है वो बेल लेंगे। पहले हम 4-5 पूरियां बेल लेंगे, उसके बाद उसको हम फ्राई करेंगे। जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ, पहले 4-5 पूरियां बेल लेती हूँ फिर उसको फ्राई करती हूँ, क्योंकि अकेली हो ना तो बनाने में दिक्कत होता है और एक साथ नहीं बन पाता है और फिर पूरा उसको बेल के फिर फ्राई करो तो चिपक जाता है, पूरी आपस में चिपक जाता है तो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने पहले 4-5 पूरियां बेल लेती हूँ फिर फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है और अभी हम फ्लेम जो में हाई में कर देंगे और पूरियां यहाँ पे एक एक करके हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। सारी पूरियां यहाँ पे मैं छान चुकी हूँ और अभी चलिए फिर खाना जो है वो सर्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ और अभी चलिए पूरियां रेडी हो गया है, सब्जी भी रेडी है तो अभी इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं ले लिया एक प्लेट में पूरियां और अभी ले रहा हूँ येलो पीस की करी। येलो पीस की करी हमारी उड़ीसा में बहुत फेमस है, घुगुनी बोलते हैं इसको और वेस्ट बंगाल में बंगाली लोग जो है उनको भी पता होगा तो घुगुनी बोलते हैं हमारे उधर।
और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा मेरा येलो पीस की करी, कितना ज़्यादा यम्मी दिख रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, हस्बैंड ने मुझे बोला। और पूरी अभी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। चलिए गाइस फिर बाय बाय, आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी।